नमस्कार प्रणाम गोलादनी हम ही राजा हरवादनी मैच बॉक्स के घात में पंचायत में क्या बात लेके हाजिर बनी हम सिसवन के बकरी से। आठवां चरण के मतदान मात्र आज से 2 दिन बचल बा, लगभग 2 या 3 दिन कहा जा सकता। अगला 24 घंटा बाद प्रचार प्रसार बंद होके जाता। अब वोटर लोग में सुखबुगाहट बढ़ता, गर्माहट बढ़ता, वोटर धीरे धीरे बोलल शुरू करेलन। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सोल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आइए जाके वोटर के मिजाज जाने का प्रयास करते नहीं। क्या मिजाज बा, क्या लागत है भैया, अब की बार के बने जाके मुखिया? अब की बार का एक बात भी पप्पू सिंह के बनावे के मुखिया हमने के वादा कर लेले बनी सही दबा हमने के पूरा पब्लिक के बकरी पंचायत के कि अभी पप्पू सिंह के आगे केहू नहीं के ना केहू रही ना केहू भइल बा। हाँ, ये हमने के पूरा पब्लिक एकजुट होके वहाँ के संगे घूमतनी सब, पूरा गरीब अमीर हर जनता बकरी के घूमतिया। काहे वहाँ के नेकी, वहाँ के नेक काम देख के, वहाँ के विकास देख के, एमे कोनो हमने के सोचला के घबरेला के जरूरत नहीं है। वहाँ के एक नंबर स्थान पर बकरी पंचायत में मुखिया बानी, हम मुखिया रहें, ये हमनी पब्लिक के वादा बा। वादा के बाद नहीं के, 5 साल के बाद कहिए। देखिए अभी चुनाव आई बात, 13-14 जना खड़ा बा लोग, चुनौवा खत्म हो जाए देखे पक्ष विपक्ष में ना बचेल तो क्या उम्मीद लगता एहू बेर यही स्थिति रही जा। अब की बारी हमने के यहाँ के भारी से भारी मत से यहाँ के विजयी करम साल पक्का ही हमने के वादा बा बकरी पंचायत के जनता के। देखिए पीछे जन समर्थक जो पता लगा तो तनी लोग आगे कैसे क्या स्थिति बा, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भाई हूँ तो बात करते हाल बाबा ठीक बनी क्या स्थिति लागत है जब तक जनता बोले के चाहे मात्र 2 दिन चुनाव बचल बा 3 दिन प्रचार प्रसार भी खत्म होके वाला बा, क्या स्थिति लागत है? जबरदस्त लहर चल रहा बा पप्पू सिंह के, लेकिन अभी आंधी चलता लहर ने आंधी। अभी तक तो बिहार चुनाव के बात कही जाओ तो हमेशा मैक्सिमम रिजल्ट निगेटिव आई वर्तमान मुखिया लोग के, कैसे उम्मीद बा कि वापसी करते नहीं आके? जैसन जे कैले बा वैसन पहले बा, आइयो कैले बा लोग जीता बता। अब 5 साल जीत के रउआ घरे बैठ जाए, अब पब्लिक के काम ना करे तो पब्लिक का करी, फिर आए ना 5 साल बाद वोटवा मांगे तो उलाटिए दी। तब पप्पू सिंह में ये बात नहीं खे, पप्पू सिंह 5 साल बेचारू मेहनत कैले बड़न, घूमल बड़न, पंचायत में काम कैले बड़न, पूरा 3 जिला में पंचायत के नाम रोशन कैले बड़न। आँ हमने के सिवान जानी सन तो जो चर्चा करनी सन कि भाई अगर केहू मुखिया बा हमने के तो वैसन पप्पू सिंह बड़न, वैसन मुखिया जिला में केहू नहीं खे। आ शायद भविष्य में होई कि ना होई तो भविष्य के बात बा, लेकिन अभी केहू नहीं। चलो हम रुझान जान चाहते बुद्धिजीवी वर्ग से लगाता नहीं, अरे बुद्धिजीवी वर्ग से लगाता नहीं, क्या स्थिति लगाता अब की बार क्या लगाता है बकरी रिटर्न मुखिया दी? रूपेश सिंह जी बढ़िया काम कैले बड़े बकरी पंचायत में, विकास भइल बा, मेन मुद्दा विकास बा, कानून व्यवस्था बा, वे सब बा, तो यहाँ काम कैले बड़े तब की बढ़िया क्या है। अब तो मात्र 2 दिन चुनाव बचल बा 3 दिन, तब तो जनता वोटर बोलल शुरू कर देले वहीं वहीं के जीते बार बार यहीं के जीते बा। लेख पर लेख गरल बा, जो वर्मा लेख में मैंने वर्मा जो कहते हैं ना उस लेख पर मेख गाड़ दिए हैं, जब जीतेंगे पप्पू सिंह जीतेंगे। भैया बानी भैया से बात करते नहीं, भैया चुनाव मात्र 2 दिन बचल बा, क्या कहते हैं जनता के मूड? देख लो तरफा एक तरफा विकास के नाम पर सब लोग वोट दिला, ठीक बा, 650 राशन कार्ड बनल बा, 250 इंदिरा आवास मिलल बा, अब कौन मुखिया इतना कैले बड़े यही से एक तरफा जीत बा। आज तो बहुत कैंडिडेट आओ थे, बहुत लोग वादा करते लो, बहुत लोग बहुत कुछ करते, सब चोर हुए सन, सब ढंगी हुए सन, वही सन दिए सन 200-400 लेके आ, फिर ओकर बाद इंदिरा आवास पास करिए सन तो 50,000 लिए सन, 20,000 लिए सन। हमी के मुखिया इस तरह का बात नहीं थे, ऐसे एक तरफा नहीं बा, एक तरफा जिला जिला में नंबर वन जिला में नंबर वन बने खातिर लगभग 2200-2300 से ऊपर वोट से जीते के पड़ी। 2200-2300 वोट से जीती है, 3600-6000 के मतदान हुई जिनमें 3600 इनके वोट पड़ी। लहर बायानी ना कहल जला कि तूफान कहल जला, तूफान बा अब रहा लेकिन जनता के मूड जनता के वीडियो रहते नहीं बकरी से। बकरी पंचायत के रूपेश सिंह जो वर्तमान मुखिया बनी वहाँ के प्रति जनता की का फीडबैक भाई रुवा देखो तो नहीं हो, अगर अभी तक मैच बॉक्स के रुवा सब्सक्राइब नहीं कर ले तो कल ही अगर फेसबुक पेज पर पेजवा के लाइक करी फॉलो करी वीडियो के फैला दी, वीडियो देख लगा बहुत बहुत धन्यवाद।